हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 3 बज रहे हैं अभी, और हम लोग ना उठ गए हैं अभी तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें निकलना है अभी मथुरा के लिए। अभी हम मथुरा जाने वाले हैं सारे फैमिली, क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन करके आ जाते हैं। मथुरा में ये है कि घूम भी लेंगे थोड़ा, और जो अब तो काफ़ी मंदिर खुल भी गए हैं तो भगवान के दर्शन करना भी ज़रूरी है। और दिन वैसे भी कुछ ख़राब चल रहे हैं जैसे मेरे, तो मुझे जाना तो ज़्यादा ज़रूरी है भगवान के पास। तो अभी नहा धो के रेडी होते हैं, उसके बाद सुबह सुबह ही निकलना है, 4 बजे निकलना है हमें वैसे, क्योंकि जितनी जल्दी पहुँच जाएंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ पर। तो और ठंडे ठंडे में पहुँच जाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों को भी उठा दिया है मैंने, और मैं भी उठ गया हूँ, तो तैयार हो जाते हैं पहले, तब मिलते हैं आपसे। और आरू को भी मैंने उठा दिया है। गुड मॉर्निंग आरू, तैयार हो जाओ, चलो है ना। अभी क्या रात को उठा दिया अभी आरू आरू कह भी रहा था मुझसे कि जगा दिया मुझे सुबह ही सुबह है ये देखो चेहरा देखो इसका ये अभी भी सो रहा है ये सॉरी चलो अभी ना हम मिलते हैं, नहा के मिलते हैं आपसे। तो अभी अंधेरा हो रहा है एकदम, और हम लोग निकल चुके हैं। 4 बजे निकलना था हमें, वैसे 4:30-5 बज गए करीब, लेट हो गए एक्चुअली। तो कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हाँ, सुबह भी होने वाली है। हाँ हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोक क्यों दिया? मनी बैंक वाले मनी ले रहे जाएंगे। अच्छा मनी बैंक वाले मनी ले रहे जाएंगे। हाँ मालिक साहब जा रहे हैं, मालिक साहब मालकिन जा रही है हमारी, मालकिन पैसे निकालने जा रही है मालकिन। तो चलो एक बार चले जाते हैं उनके साथ में। मालकिन जा रही है यहाँ पे। हाँ हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अब तो बस नींद में ही नींद में है ये रास्ते में मिलते हैं जब रोशनी होती है थोड़ी बहुत, वहीं पे मिलते हैं हम आपसे। निकल गए गाड़ी में से, आ गए इधर, गाड़ी खड़ी कर दी है ये यहाँ पे, और हम जा रहे हैं। सबसे पहला मंदिर हमारा यही है, और जस्ट अभी अभी आए हम। अच्छा 7:30 बजे खुलेगा। हम आए सबसे पहले कात्यायनी मैया के दर्शन करने के लिए। तो कैसा लग रहा पहुंच के? बहुत बढ़िया। मथुरा वृंदावन पहुंच के, वृंदावन बेटू कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है, बचपन में मैं जाते थी ना। हाँ बचपन में ये खूब घूमी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर था ना यहीं पे, मथुरा में ही घर था हमारा वृंदावन में। तो हमारे फोन में वाइड एंगल है नहीं, इसलिए हमारा फोन ऐसे ही दिख। हाँ बंदर छीन ले जाते हैं यार फोन, बंदर देखना छीन नहीं ले जाए, बंद कर दे रहा हूँ अभी, बाद में मिले। हमने दर्शन वगैरह कर लिए और अच्छे से दर्शन हो गए, दर्शन हो चुके हैं हमारे से अच्छे से। और सुबह सुबह का टाइम था, एकदम दर्शन बढ़िया हो गए हमारे तो। और अब जा रहे हैं हम यहाँ से कात्यायनी मैया से जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। तो अभी हम दूसरी जगह पर आ चुके हैं मंदिर से, और बांके बिहारी जा रहे हैं अभी। यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी पार्किंग में, हमने पार्किंग स्पेस ले लिया इधर। टुक टुक चिक्की, सबको मज़ा आ रहा है एकदम। और यहाँ पर तो यार बड़ी अच्छी शांति सी लग रही है यार वृंदावन में आके, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यार सुबह सुबह आके। हाँ कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो वहाँ के बिहारी के दर्शन करने हैं मम्मी को तो केवल, और वहाँ के बिहारी के दर्शन करने हैं मम्मी को। कैसे हम लोग तो रहे हैं ना यहाँ। हाँ चलो अभी चलते हैं, पार्किंग से निकल तो रहे हैं। चलो वृंदावन में पहुंच गए यहाँ पे अभी बांके बिहारी पे, तो बहुत भीड़ है अभी, तो देख सकते हैं आप पूरा
बहुत भीड़ है यार, काफ़ी वैरी भी तो काफ़ी भीड़ है अभी। और देखो एकदम यहाँ से बंद कर रखे हैं, घूम घूम के जाना पड़ रहा है, बहुत बंद है काफ़ी। एकदम थरबतर हो गए हम, बिहारी जी के दर्शन करके आ गए थे यहाँ पे, और ये अभी आ गए हम राधा वल्लभ के मंदिर में। बिहारी जी के मंदिर में कैमरे वगैरह निकालना अलाउ नहीं था वहाँ पे, तो अभी राधा वल्लभ के मंदिर में आ चुके हैं हम। ये देखो बहुत ही प्यारा मंदिर है ये, और सेम टू सेम बिहारी जी की तरह बना हुआ है ये। मंदिर में देखो कितना बड़ा पंखा लगा हुआ है, देखो किसी ने देखा है ना बड़ा पंखा, कम से कम नहीं तो होगा ये 20 फुट का पंखा होगा यार इसके दोनों में लागे, 20 से भी ज़्यादा, ये पूरे फ्रेम में आ रहा है ये। और ऐसे फुब्बारा चल रहा है पानी का, ठीक तुक तुक कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ एकदम भाई साहब मजे आ रहे हैं एकदम लेवल के। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी की हालत देखो एकदम पसीने पसीने में हो गए सब, गर्मी बहुत है मगर। हाँ आप कचौड़ी खाने चल रहे हैं, खाना कुछ ना कुछ खाए और लस्सी वगैरह पिए। हाँ क्योंकि हमने ना अभी गाड़ी बाद में उठाई है, अभी कुछ खाया वगैरह भी नहीं है, तो खा के आते पहले कुछ, फिर जाएंगे हम दूसरे किसी मंदिर वगैरह में, भी एक जगह और जाएंगे घूमने के लिए। तो चलो बाहरी बाहर मिलते हैं हम आपसे अभी। तो अभी पसीने में हो रहा है एकदम, और क्या है कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर खाना वगैरह खाने के लिए। खाना क्या है, मतलब सुबह नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करके भी नहीं आए थे ना सब, खाली पेट भगवान के दर्शन करने हमारी माता जी को। हाँ हाँ बच्चे भी आ चुके हैं अभी राधा रानी का मंदिर का दर्शन करके, और हम आ चुके हैं रंग जी के मंदिर में। और मोबाइल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने जस्ट एक का वीडियो कैमरा उठा ले गया ऊपर मंदिर वीडियो बना रहा था, वो फ़ोन छीन ले गया ऊपर, हमने सीधे रख दिया पॉकेट में, फिर निकाला ही नहीं। यहाँ थोड़ा सा मिलता है ना देख के एकदम के बंदर नहीं है, हाँ तो वहाँ निकाल लेते हैं। और अभी चिक्की टुक टुक कह रही कि मामा ये रंग मंदिर है तो इसमें रंग तो है ही नहीं है, पूरा ब्राउन है ये पत्थर का बना हुआ है बेटू। हाँ। तो चलो हम ना अंदर मिलते हैं अभी आपसे। चलो चलो इधर देखा। चलो चलो अभी तो धूप हो रही है बहुत, पसीने पसीने हो रहे हैं एकदम, मिलते हैं हम थोड़ी देर में आपसे। आ तो चुके हैं हम रंग मंदिर में अंदर, और यहाँ कैमरा अलाउ है। और ये देखो चिक्की कैसा लग रहा है बेटू? अच्छा। हाँ अच्छा। टुक टुक कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ तो अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बहुत, पर इन लोगों की हालत भी खराब है एकदम। देखो जान निकल गई, गर्मी तो बहुत है यार, मगर एक चीज़ तो है ये देखो ए उनने क्या कर दी, शर्म आ गई वो नहीं। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ जहाँ पे अगर हमें मिलता है, तो ये मंदिर बने हुए हैं, इनमें मूर्तियाँ हैं बहुत सारी, ये देखो हर पिलर पे ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं अलग अलग से। ये देखो ये उल्टा कर रहे हैं।
एकदम तेज। और मैं दिखाता हूँ आपको ये इस पर चलने के लिए। अच्छा ये एक चीज़ और है यार, ये पेंट किया है ना जो वाइट वाइट, इस पर हमें ठंडा सा लग रहा है एकदम। और इस पर चल रहे हैं, हाँ ये गर्म है, ये किसी चीज़ का पेंट है ये जो इन्होंने किया है मंदिर वालों ने। ये देखो इस पर कितनी देर भी खड़े हो जाओ हमें गर्म नहीं लग रहा है। ये इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है ये पूरा, देखो मंदिर में वाइट वाइट बनाया है। और ये पूरा ठंडा है ये एरिया, ये कोई चीज़ का पेंट है ये, पता नहीं क्या है ये। इसकी टिकट लगती है क्या एंट्री की तरह से? आगे से हम आपको ना भी दिखाते हैं। अभी हम आए हैं ना, इसमें ये गोल्ड महल है इनका, गोल्ड का सामान है सारा, जितनी भी चीज़ें होती है सारी गोल्ड की एकदम। ये देखो ये सब सोने के बने हुए हैं जितने भी, ये भी सोने का बना हुआ है, ये सब यहाँ से लेके इधर अंदर तक ये सब गोल्ड का बना हुआ है, ये सब गोल्ड का है। झांकी निकलती है ना इन झांकी, ये देखो सिंहासन, और ये 10 रुपये पर पर्सन की टिकट है यहाँ की, गोल्ड का बना हुआ है। हाथी प्योर गोल्ड, गजराज हाथीराज गोल्ड है ये। यहाँ पे ना पूरा सोने का खंबा जो बोलते हैं ना वो पूरा है, ये देखो ये पूरा सोने का खंबा है यहाँ पे मंदिर में। घूम घूम के हो गई हमारी हालत खराब एकदम। और अब हम जाएंगे शीश महल, शीश महल में जाएंगे अभी थोड़ी देर में, वो गोल्ड वाला हमने दिखाया आपको। और ये मंदिर में हम आ गए, ये देखिए ये है इनका मेन मंदिर जो है रंग महल का, वो यही है, ये मेन मंदिर है यहाँ का, जो कि साउथ में मंदिर है ना जो रंग महादेव वो बड़े सा मंदिर है, उसकी कॉपी है ये पूरा मंदिर जो वृंदावन में है। ये देखो पूरा आर्टिफैक्ट देखिए यहाँ का, देखो ये देखिए अभी हम आ गए वैष्णो धाम। और ये देखो यहाँ से रोड पे से ही मूर्ति दिखाई देती है वैष्णो देवी की, वैष्णो माता की, इतनी बड़ी मूर्ति श्री वैष्णो देवी धाम। और हम तो यहीं पे जा रहे हैं, अरे यहाँ तो लाइन लगी है भैया, ना घुस पाएंगे बंद हो जाएगा ये। तो गाइस हमने क्या किया है कि जो वैष्णो धाम मंदिर है उसके दर्शन कर लिए, क्योंकि वहाँ पे अंदर मोबाइल वगैरह लेके जाने नहीं दिया गया, तो हम आरोग्य सेतु वगैरह डाउनलोड करी और मोबाइल जमा करा दिए। तो वहाँ मंदिर में भी घूम लिया हमने वहाँ पे, बट इस मंदिर में हमें ज़्यादा अच्छा लगा सबको, क्योंकि ये मंदिर में क्या है वाटरफॉल चल रहा था अंदर एकदम पानी से भरा हुआ, एकदम इतना एक एक हाथ पानी भरा हुआ था, और उसमें पैरों में मतलब ठंडक पहुँचा दी एकदम। और मंदिर भी अच्छा था यार, दूर दूर लोग खड़े हुए थे इस मंदिर में, मतलब कोरोना को लेके थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी थी जो हमें दिख रही थी, बाकी और मंदिरों में तो भाई कुछ नहीं था, भीड़ इतनी भीड़। पर इसमें भीड़ जैसे अंदर मान लो कि 100 आदमी हो जा रहे थे, दूर दूर पूरे मंदिर में 100 आदमी जो दूर दूर दिखाई भी नहीं दे रहे, तो मंदिर की गेट में बंद कर देते थे, 10-5 निकले फिर अंदर 10-5 डाल दिए, ऐसे हो रहा था। तो बहुत अच्छी व्यवस्था जैसी लग रही थी एकदम। तो अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, तो ये बच्चे निकल गए यहाँ पर टॉय लेने के लिए कि हमें टॉय दिलवाओ यहाँ से, तो वो टॉय के लिए निकल गए। और राम इसके बाद हम कहीं और जाएंगे क्या? इसके बाद तो हम सीधे घर जा रहे हैं, अभी खाना वगैरह कुछ खाएंगे यहाँ पर और सीधे घर निकल रहे हैं। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है यार, मतलब जहाँ नोएडा दिल्ली में तो यार कम गर्मी है, यहाँ उसके हिसाब से ज़्यादा गर्मी है मथुरा वृंदावन में। हम तो रोते रहे थे हमारी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, और दिमाग ख़राब पड़ा है एकदम। अभी ये पीछे यहाँ गए हुए हैं ये लोग, इधर इस साइड में कहीं दुकान पे हैं ये लोग, टॉय वगैरह दिलवा रहे हैं उनको, बच्चे जिद करने लगे टॉय दिलवाओ, मैं बुआ आलू कह रहा बुआ टॉय दिलवा दो मुझे, चिक्की कह रही है मम्मा टॉय लूँगी मैं, 5 टॉय लूँगी